बिहारी वाजपेयी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये अजात शत्रु है। अजात शत्रु मायने क्या होता है, अजात शत्रु का मतलब क्या होता है कि जिसका इस धरती से कोई भी विरोधी ना हो, कोई भी दुश्मन ना हो, ऐसे अजात शत्रु थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो अपने विचार के इतने जबरदस्त वाहक थे, अपनी बात कहते थे, मजबूती से कहते थे, भारत माता के लिए, देश के लिए और विपक्ष के ऊपर प्रहार भी जबरदस्त करते थे। लेकिन विपक्ष भी, चाहे वो कांग्रेस सरकार में रही हो, जब भी वो संकट की घड़ी आती थी, चाहे यूएनओ में जाने का मामला होता था, चाहे युद्ध का समय होता था पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, अगर उन्हें लगता था कि अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर अपोजिशन का कोई लीडर खड़ा है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा है, इस बात की उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। विरोध राजनीतिक विचारधारा का था, विरोध उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ था अटल जी का, विरोध उनका सामाजिक बुराइयों के खिलाफ था, उनका हर बुराई के खिलाफ विरोध था, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ कभी भी वो इतना बुरे नहीं उन्होंने शब्द कहे। जबकि जब हम वार जीते थे, पाकिस्तान को हमने हराया था, तो यही अटल जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की बहुत प्रशंसा करी थी कि ये हमारे देश का गौरव इसने बनाया, कितनी प्रशंसा करी थी। आज की तरह नहीं, आज मोदी जी कुछ करते बड़े से बड़ा काम, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, वही जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो वंशज हैं वो हमारी सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। सोच और विचार को देखो कितना फर्क है, सीख लेनी चाहिए उनको, आज के दिन अटल जी से सीख लेनी चाहिए कि राजनीतिक दल आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, हम तभी तक कायम है जब तक ये देश कायम है, इसलिए देश के आगे कोई वैर विरोध नहीं होना चाहिए।